नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कोरोना का डर जो है सभी को है और होना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों कोरोना का कुछ एक परिवार है जिसको इतना डर था कि आपको दोस्तों सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये मामला है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में दोस्तों लगभग जब कोरोना आया था भारत में, तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के गाँव का मामला है, तो गांव में एक पड़ोसी की जो है कोरोना से मौत हो गई। फ्रेंड्स, जब पड़ोसी की मौत हुई, तो जिस व्यक्ति की मौत हुई उसके बाजू में एक परिवार रहता था, उसमें चार लोग थे, पति पत्नी और दो बच्चे। फ्रेंड्स, वो लोग इतना डर गए कि उन लोगों ने अपने को, उनके पास कच्चा घर था, एक छोटे से तम्बू में जो है बंद कर लिया। और फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश पुलिस ने सूचना मिली तो उन लोगों को जो है बाहर निकाला था। आप सोच सकते हो दोस्तों, बताया जा रहा है कि वो 15 महीने से कोरोना के डर से जो है बाहर ही नहीं निकले थे। जब दोस्तों उनको बाहर निकाला गया, वो कई दिनों से नहाए नहीं थे। और दोस्तों उनके, आप समझ सकते हो, 15 महीने में यदि कोई व्यक्ति कटिंग ना कराए तो उसके बाल कितने बड़े बड़े हो जाएंगे, दाढ़ी कितनी बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड, उनके बाल जो है बहुत बड़े बड़े थे और वो कई दिनों से दोस्तों जो है नहाए हुए नहीं थे। और फ्रेंड्स, बताया ये जाता है कि यहाँ तक कि वो उसी टेंट में शौच भी कर रहे थे। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, इतना ज़्यादा कोरोना का डर, उनके पड़ोसी की जो है कोरोना से मौत क्या हुई, वो इतना डर गए कोरोना से कि उन्होंने बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही संपर्क जो है काट दिया। जो कि दोस्तों, बताया जाता है कि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति, आशा कार्यकर्ता या कोई आता, तो वो जो है किसी से मिलते ही नहीं। उनको जो है उनसे बहुत डर लगता कि इनसे जो है हमें कोरोना जो है हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बताया जाता है कि यदि वो कुछ दिन और नहीं निकाले जाते तो शायद उन चारों लोगों की जो है मौत भी हो जाती। तो फ्रेंड्स, कोरोना का डर जो है होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है, जैसे आंध्र प्रदेश में फैमिली ने किया कि छोटे से तम्बू में खुद को जो है टेंट में बंद कर लिया और वहीं पर सब नित्य कर्म भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो, कई दिनों से नहाए नहीं हैं और ना, मतलब पालन कीजिए कोरोना के जो नियम हैं, गाइडलाइंस सरकार ने जो बनाई है कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कम से कम जो है बाहर फालतू घूमिए, रिश्तेदारों के यहाँ कम जाइए और सैनिटाइजर का यूज कीजिए, मास्क का यूज कीजिए। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि जो आंध्र प्रदेश में इस फैमिली ने किया। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये मामला था आंध्र प्रदेश का जो मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों उनका जो है इलाज किया जा रहा है और अब वो ठीक बताए जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।